जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे और मेरे व्लॉग्स को आप इन्जॉय कर रहे होंगे। आज मैं एक छोटा सा डिस्कशन करने वाला हूं आप सबके साथ। डिस्कशन आपने थंबनेल के ऊपर देख लिया होगा कि मैं जो आज डिस्कस करने वाला हूं वो है यूट्यूब शॉर्ट्स के रिगार्डिंग। वैसे जो मेरा मोटिव है, जब मैंने चैनल बनाया था तो उस टाइम पर मैंने ये सोचा था कि मैं बड़े बड़े व्लॉग्स लेके आऊँगा। बात भी सही है क्योंकि मैंने बड़े व्लॉग्स बनाने हैं और अभी जिस तरह से आपको पता है कि कोविड का दौर है, कोविड का टाइम है, कोविड में हम अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सिस्टम सभी बंद हैं, एजुकेशन सेक्टर बंद है, बाज़ार बंद है, हर चीज़ बंद है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, हम बाहर नहीं निकल सकते हैं और कोविड की गाइडलाइंस आती हैं, हर हफ्ते आती हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, तो बहुत कुछ हो रहा है अभी है। जिस तरह से आपको पता ही है 2019 से हम लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, हम क्या, हम पूरी दुनिया ही। इन बिटवीन जब तक बात यह है कि मैं कुछ डिस्कस इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं अभी व्लॉगर हूँ, अभी मैंने शुरुआत की है, तो अभी मैं एजुकेशनलिस्ट भी हूँ, जो कि मैं अपनी खुद के, मेरा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मैं वीडियोस भी बनाता हूँ एजुकेशन से रिलेटेड, जो इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ। तो अभी कुछ टाइम से, पिछले डेढ़ महीने से, दो महीने से, मैं डेढ़ महीने से जब से शॉर्ट्स का जो चलन शुरू हुआ है, शॉर्ट की ऑप्शन आई है यूट्यूब के ऊपर, तब से मैंने शॉर्ट वीडियोस डाले हैं। तो जो मेरे सब्सक्राइबर की रीच है वो अभी बहुत कम है और शॉर्ट्स भी मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं वैसे ज़्यादातर शॉर्ट्स नहीं बनाता हूँ, बड़े वीडियोज़ मैं ज़्यादा बनाता हूँ क्योंकि उसमें जो हमारी लोकेलिटी है जहाँ पर हम रहते हैं, पंजाबी कल्चर है, उसके बारे में ये सब चीज़ें मैंने बतानी है, तो वो सब अभी मतलब प्रॉपरली जितना मुझसे पहले हो पाया था वो मैंने रिकॉर्ड किया और अभी आने वाले टाइम में जो आएंगी वो आफ्टर लॉकडाउन ही पॉसिबल हो पाएगा। तो जस्ट ये मैं आपसे जनरल बात करने के लिए आया हूँ कि आप प्लीज़ गाइस ये मत सोचिएगा कि मैं सिर्फ शॉर्ट्स ही बनाता हूँ, शॉर्ट्स भी बनाएंगे हम, बड़ी वीडियोज़ भी बनाएंगे, क्योंकि ये बात मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम शॉर्ट्स का तो काम करेंगे क्योंकि अच्छी वीडियो अगर लगी जो दिखाने वाली होगी वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा, किसी भी तरह का शॉर्ट हो सकता है, वो देखेंगे हम बाद में। तो अभी बस मेरा आपसे इस चीज़ के लिए गुजारिश ये थी कि शॉर्ट वीडियोस अभी रेगुलर आएंगे आपके पास, वैसे तो ऑलमोस्ट चलते ही जाएंगे, रेगुलर भी चलेंगे और बड़ी वीडियोस भी आएंगे। मैं आपसे इसलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ, आपको ये डिस्कस करने के लिए आया हूँ कि आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ शॉर्ट्स ही वीडियो हम बना रहे हैं, हम दूसरी वीडियोस को भी आगे लेके चलेंगे और यूट्यूब की जो गाइडलाइंस हो उसको हम ज़रूर फॉलो करेंगे। हाँ, एक वीडियो मैंने अभी आपकी बनानी है गाइडलाइंस के ऊपर, जो यूट्यूब की गाइडलाइंस हैं वाइल मेकिंग योर वीडियोस, जब आप वीडियो बनाते हैं उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी देखनी होती हैं, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो फिलहाल तो मैं यही डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए आपके पास शॉर्ट्स आएंगे और साथ में बड़ी वीडियोज़ आएंगी आफ्टर लॉकडाउन, तो तब तक के लिए आप शॉर्ट्स देखिए, क्योंकि कुकिंग की कुछ वीडियोज़ हैं वो घर में बैठ के अपनी स्किल्स इंप्रूव कर रहे हैं, क्योंकि कुकिंग का मुझे शौक़ है, तो इसलिए मैं जो रेसिपीज़ बनाता हूँ और वो बना के उसका शॉर्ट बना देता हूँ, उसको मैंने शॉर्ट्स में ही रखा है। बड़ी वीडियोज़ जब बनाएंगे तब के तब हम देखेंगे, कभी कुछ सैलड का बना लिया, कभी कुछ भी। तो इस तरह से ये शॉर्ट वीडियोज़ जो आपके पास आ रही हैं ये कुछ टाइम के लिए चलेंगी आपके पास, जब तक लॉकडाउन नहीं हो जाता। घर पे बैठ के भी हम क्या रिकॉर्ड करें, कितना घर के बारे में दिखा सकते, छोटा सा घर है, जिस रूम में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मेरा स्टडी रूम है, यहाँ पर बैठ के स्टडी करते रहते, सुबह से स्टडी कर रहा था तो सोच रहा चलो आपसे भी बात हो जाएगी, मेरे व्यूअर्स हैं। और बाकी तो जैसे आफ्टर लॉकडाउन जिस तरह की सिचुएशन होगी उसी हिसाब से हम करें, मतलब आगे वीडियोस बनाएंगे। शॉर्ट्स बनाने का जो मेरा रीज़न इसलिए है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ हमारी बातचीत होती रहे, उनको दिखाते रहें कि हमारे भी वीडियोस आ रहे हैं, इस तरह से ये तो चलो आप अपने शेड्यूल के हिसाब से आप बना ही लेते हैं। एक चीज़ मुझे बड़ी हैरान कर रही है क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद जितने मेरे व्यूअर्स आ रहे हैं उसमें एक परसेंट है मतलब दो के आसपास, वो पर्सन सिर्फ वीडियो, वो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, ओके। और जो अनसब्सक्राइबर्स हैं, जो मतलब जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वो 98% है। ऐसा क्यों, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। हो सकता है आपको टेस्ट ना लग रहा हो, ये भी चलो ये भी हम मान लेते हैं कि ये टेस्ट आपके लिए नहीं बना है, बट जो है कम से कम जिनको लग रहा है यार वो तो सपोर्ट कर ही सकते हैं ना। तो
चलो ये तो मैंने अपना एक फैक्ट बताया, ये आपने अभी स्क्रीन के ऊपर देखा ही है, इस तरह से 98% जो हैं वो सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, वीडियो देख के चले जाते हैं, आगे फॉरवर्ड हो जाते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए, आपको स्पेसिफिक वीडियोज़ चाहिए शॉर्ट्स में, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा। अभी मुझे, क्योंकि मैं अभी बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, अभी मैं छोटा ही हूँ, तो लेकिन शुरुआत मेरी यही है कि मैं अच्छे क्वालिटी कंटेंट आपको दिखाऊँ जितना मुझसे हो पाएगा, ओके। क्योंकि अभी पर्सनली भी मैं अगर कहूँ तो अकेडमिक सब बंद है, घर पर बैठे हैं, बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, वही सेम चीज़, वही शेड्यूल, सुबह उठो, नाश्ता करो, फिर से लंच खा लो, फिर सो जाओ, फिर उसके बाद शाम को फिर वही शेड्यूल, चाय पी लो, फिर डिनर कर लो, फिर सो जाओ 9, 9:30 बजे के आसपास, तो यही शेड्यूल है और कुछ है नहीं। तो गाइस बस आप सबसे यही गुजारिश है कि शॉर्ट्स आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, शॉर्ट्स वीडियोस देखिए आप जिस तरह से मुझे मिलती हैं वीडियोस, और दूसरा लंबे वीडियोस आपके पास ब्लॉग्स आएंगे, डिफरेंट ब्लॉग्स आएंगे, जब भी मुझे कहीं पे भी जाने का मौका मिलेगा जहां पर कैप्चर करने वाली चीज़ें होंगी मैं ज़रूर दिखाऊंगा आपको। और सब्सक्राइबर्स के लिए मैंने सच में मैं हैरान हूँ, इतने कम लोग सब्सक्राइबर हैं, मतलब 98% वीडियो देख के आगे चले जाते हैं, ये चीज़ मुझे बड़ा ही अजीब सी लगी कि सब्सक्राइबर्स इतने कम क्यों है। हो सकता है कि अभी हम नए यूट्यूबर्स हैं और हम इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हैं आप सबको, या हम जो आपको चाहिए जिस तरह का कंटेंट आपको चाहिए, या हो सकता है हम आप तक प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, इन चीज़ों को हम इम्प्रूव करेंगे, मैं इम्प्रूव करूँगा खास करके आपके लिए। और बस ये छोटा सा था कि ये मत समझिएगा कि हम शॉर्ट्स ही बना रहे हैं, बड़ी वीडियोज़ भी आएंगे आपके पास, शॉर्ट्स तो चलेगा एज इट इज़। मेरे पास एक ही चैनल है जो मैंने एंटरटेनमेंट और अपने पर्सनल शौक के लिए रखा हुआ है, ये मुझे शौक है मेरा व्लॉगिंग करना, ठीक है गाइज। तो आई होप आपको ये छोटी सी बात जो मैंने आपसे डिस्कस की है ये आपको समझ में आई होगी, एक जनरल टॉक है आप सब लोगों से, ठीक है। तो अगर कुछ स्पेसिफिक वीडियोज़ आपको चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे, राइट। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस छोटी सी डिस्कशन का एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत एंड जय किसान। स्टे ट्यून्ड।